छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ से हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि मां बमलेश्वरी मंदिर में चढ़ने वाला प्रसाद एक पोल्ट्री फार्म में बनाया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा टीम ने गुरुवार को राका गांव स्थित फैक्ट्री में छापा मारकर बड़ी मात्रा में प्रसाद के पैकेट जब्त किए हैं और ये मामला डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र का है। जांच के दौरान पता चला कि करीब 5000 स्क्वायर फीट कैंपस में पोल्ट्री फार्म के साथ ही प्रसाद बनाने की फैक्ट्री भी संचालित हो रही थी। इसे श्री भोग प्रसाद के नाम से बनाया जा रहा था। इसकी सप्लाई मंदिर के पास दुकानों में होती है। पोल्ट्री फार्म का मालिक मजहर खान है। बताया जा रहा है कि पोल्ट्री फार्म के अंदर श्री भोग प्रसाद नाम से इलायची दाना बनाया जा रहा था। खाद्य विभाग की टीम को बड़ी संख्या में प्रसाद के पैकेट मिले हैं, उस पर माता बमलेश्वरी की फोटो लगी हुई है। खाद्य विभाग के मुताबिक जिस पैकेट में इलायची दाना बेचा जा रहा था, उस पर भक्तों को गुमराह करने के लिए लिखा गया है कि इसे साफ और पवित्र वातावरण में निर्मित किया गया है। छापेमारी में अवैध फैक्ट्री और पैकेट में लिखे दावे की पोल खुल गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग के मुताबिक संचालित फैक्ट्री का पंजीयन नहीं हुआ है। इसके साथ ही पैकेजिंग में बड़ी गड़बड़ी भी देखी गई है। मानक तिथि, बैच नंबर नहीं लिखे गए हैं। हालांकि खाद्य विभाग की टीम ने इलायची दाना के पैकेट को जब्त किया है और इलायची दाना के सैंपल लिए हैं। मामले में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डोमेन धुर्वे ने बताया कि इलायची दाना निर्माण से जुड़ी कोई भी अनुमति के दस्तावेज नहीं मिले हैं। यहां निर्माण होने वाली प्रसाद की सप्लाई डोंगरगढ़ के माता बमलेश्वरी मंदिर में प्रसाद बेचने वाले व्यापारियों को होती है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि आस्था का केंद्र माता बमलेश्वरी देवी, माता भवानी जैसे प्रतिष्ठित देवी को लगने वाले भोग प्रसाद को इस तरह की जगहों पर बनाना दुर्भाग्यजनक है। इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये गड़बड़ी हिंदुओं की आस्था पर प्रहार है। राजनगांव खाद्य सुरक्षा अधिकारी डोमेंद्र ध्रुव ने बताया कि बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट के साथ बात की जा रही है। प्रसाद का सैंपल टेस्ट के लिए भेजा गया है। प्रसाद किस खाद्य सामग्री से बनाया जा रहा है ये भी देखा जाएगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक बमलेश्वरी मंदिर के अलावा राजनगांव स्थित मां पाताल भैरवी मंदिर, श्रृंगारपुर स्थित बालाजी मंदिर समेत प्रमुख मंदिरों से प्रसाद का सैंपल लिया जाएगा। इसके लिए सभी मंदिर ट्रस्ट से बात चल रही है। आने वाले समय में प्रसाद की जाँच की जाएगी। तो अब प्रसाद की सामग्री में क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन एक बड़ी बात ये है कि बमलेश्वरी मंदिर का प्रसाद एक पोल्ट्री फार्म में बनाया जा रहा था, वो पोल्ट्री फार्म जहां पर मुर्गियों को रखा जाता है। तो इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।